तो जो हम लोगों ने कहा कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। आ करता तो है, तो उसी में आप समझ लीजिए संख्या घट रही है। जो वक्तव्य आया जातीय जनगणना के आधार पे, उन्होंने जो इसी क्रम में जो अपनी बातें बोली, ये और मर्यादित तरीके से रखा जा सकता था। जिस तरीके से उन्होंने इस बात को रखा वो कतई सराहनीय नहीं है, और उन्हें एक उम्र का लिहाज करते हुए, महिलाओं का सम्मान करते हुए, इस बात को और मर्यादित तरीके से रखना चाहिए था। आज सदन है क्या? लेकिन ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही शर्मसार करने वाला है। इन्होंने न सिर्फ अपने दल को बल्कि पूरे बिहार को शर्मसार करने का काम किया है। और वो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वजीर आला हैं, और वहाँ पर वो इस तरीके से, जिस तरीके से उन्होंने कहा है, बिल्कुल ही एक वल्गर किस्म की लैंग्वेज थी। उसको वो कह सकते थे कि जब जितनी महिला ज़्यादा पढ़ेंगी वो अपने औलाद को कब पैदा करना वो वक्त तय करेंगे, मगर बजाय उसके इस तरह से बिल्कुल ही एक वल्गर तरीके से उन्होंने जिस तरीके से उसको डिस्क्राइब किया है अपने एक्शन से, अपने अल्फाज से, ये बिल्कुल ही सही नहीं है। भाई कम से कम आप इस बात का तो लिहाज रखिए कि आप कहां पर खड़े होकर बोल रहे हैं। वो बिहार की विधानसभा है, वो कोई सिनेमा थिएटर नहीं है कि लोग वहां पर कोई पिक्चर देखने आ रहे जिसमें सर्टिफिकेट अडल्ट दिया गया है। एक बात बता दे, इसका कोई अगर कोई गलत मतलब निकालता है तो ये गलत बात है। एक तरह से जो भी मुख्यमंत्री जी का बयान आया जो सेक्स एजुकेशन के बारे में, और जब भी सेक्स एजुकेशन की बात की जाती है तो इसकी लोग जो है शर्माते हैं, हिचकते हैं, तो उसे लोगों को बचना चाहिए। तो स्कूलों में पढ़ाई होती है भाई, साइंस बायोलॉजी ये तो स्कूलों में पढ़ाई होती है, बच्चे पढ़ते हैं भाई। तो हमको लगता है अगर सेक्स एजुकेशन की अगर बात आई, उनका कहने का मतलब आबादी कंट्रोल जो है क्या करना है, वो प्रैक्टिकली बात जो भी आती है उन्होंने अपना बात किया, तो इससे लोगों को गलत तरीका में नहीं लेना चाहिए, एतराज नहीं लेना, बट इट शुड बी मोर टेकन एज अ सेक्स एजुकेशन। यस्टरडेज स्टेटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार वॉज वेरी डेरोगेटरी। वी आर डीपली कंसर्न विद दिस NCW on behalf of every woman of the country is deeply concerned that the way he spoke was like a C-grade movie dialogue in the assembly, in front of women in the assembly, in front of everyone, and the worst was men sitting behind, they were also laughing, that was worst. So मुझे लगता है कि कोई भी कंसर्न नहीं था कि वो कह क्या रहे हैं। अगर उनको नॉलेज देनी थी तो बहुत सारे तरीके हैं जिस तरीके से वो नॉलेज दे सकते हैं। एक्शंस और वर्ड्स दोनों ही बहुत भद्दे थे और एक भद्दे मजाक की तरह थे। पूरी महिलाओं को उससे शर्म आई और वो सुन नहीं सकती हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो वक्तव्य कल दिए हैं, उनके सत्ता पक्ष के महिलाएं भी सर को झांपे हुए पूरी महिला का अपमान किए हैं। महिलाओं का ये माँ जानकी की धरती है महोदय, ये शक्ति की भूमि को लज्जित किए हैं और उनको इस्तीफा देना चाहिए। वो मेंटल हो चुके हैं महोदय, एक मेंटल मुख्यमंत्री बिहार का कुर्सी नहीं संभाल सकता।
अगर मेरी किसी बात को लेकर के तकलीफ हुई है तो मैं अपनी बात को वापस करता हूं और मैं अपनी निंदा करता हूं, मैं दुख प्रकट करता हूं कि मेरे किसी एक शब्द के चलते अगर किसी को तकलीफ हुई है तो हम आपने कहे मुख्यमंत्री शर्म करें। मैं न सिर्फ शर्म कर रहा हूं, मैं इसके लिए दुख प्रकट कर रहा हूं और अपनी सारी चीजों को वापस लेता हूं।